अब तक आपने देखा गोकुल में आया एक नया मेहमान। मेरे पुत्र ने मुझे घर से निकाल दिया। उधर कंस ने मिलाया हाथ मधु खैताब के वंशज भूतासुर और भभूतासुर से, जिन्हें प्राप्त था इच्छा मृत्यु का वरदान। आश्चर्य होता है मुझे कि तुम इतने प्रतापी मधु खैताब के वंशज होकर इतने मूर्ख निकले। शत्रु का शत्रु मित्र होता है ना। वहीं दानवों के महागुरु शुक्राचार्य ने बनाया और भी अधिक बलशाली भूतासुर और भभूतासुर को। जब तक ये दो थे इनकी शक्तियां अधूरी थी, अब ये भूता भभूतासुर हैं। इन दोनों की शक्तियां पहले से दुगनी हो चुकी हैं और अब इन्हें युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता कंस। और नए महाबलशाली रूप में भूता भभूतासुर ने किया कान्हा और मित्रों पर पुनः प्रहार। मधु और कैटब के वंशज हैं ये। इन्हें भी इच्छा मृत्यु का वरदान है। मैं कितना भी प्रयास करूं, किंतु इन्हें मार नहीं सकता। तो अब क्या करें कान्हा? बचाओ! बचाओ! हम कैसे मारेंगे इस दुष्ट को? मेरे सुबल को कहीं देखा? ना जाने कहां चला गया, अभी तक घर नहीं लौटा। मेरा चंदन भी घर नहीं आया बहन, मेरा हृदय बहुत घबरा रहा है। पुत्री चिंतित ना हो, तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। क्या हुआ बालक, इतनी जल्दी हार मान गए? खेल तो अभी आरंभ हुआ है बालक। स्वामी इस पर तो मूर्छा छा रही है, अब क्या करें इसका? इस समस्या का हल केवल माता भगवती के समीप है। दाऊ हमें माता भगवती का आवाहन करना होगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमो नमः। सहायता कीजिए हमारी। कृष्णा आज इतिहास अपने आप को फिर दोहराएगा। लाखों वर्ष पूर्व घटित घटना आज फिर घटित होगी। हम समझ गए माता, आप बस हमारा साथ दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। उस दिन भी मैं तुम्हारे साथ थी
आज भी मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। सब क्या हो रहा है? हमारी दृष्टि भ्रमित क्यों हो रही है? कहीं इसमें इस बालक का कोई छल तो नहीं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं भूता, हम तो तुम्हारी युद्ध कौशल से खुश हैं। इसीलिए हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? कहीं इसमें कोई छल तो नहीं? हम तो तुम्हें वरदान दे रहे हैं, भला इसमें छल कैसा? बिना किसी तप के वरदान मिल रहा है तुम्हें, ऐसा अवसर तो कोई अपने हाथों से ना जाने दे। मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? यही अंतिम अवसर है, मांग लो। तू चींटी जैसा बालक मुझे वरदान देगा? अरे तू क्या मुझे वरदान देगा? तुझसे बलवान और शक्तिशाली तो मैं हूँ, और वरदान भी तुझे मैं दूंगा। स्वामी, ये एक दैत्य है, भला एक दैत्य किसी और को वरदान क्या देगा? सही कहा यक्ष, ये एक दैत्य है। अपने वचन से पलट गया तो? नहीं नहीं, मुझे तो इस पर विश्वास नहीं है। आपने सही कहा दाऊ, यदि इन्होंने अपना वचन पूर्ण नहीं किया तो? ये क्या कह रहे हो बालक? मत भूलो कि हम मधु केटव के वंशज हैं, जो अपने वचन से कभी नहीं पलटते। जो मांगना है निश्चिंत होकर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। ठीक है, हम तुमसे तुम्हारी इच्छा मृत्यु का वरदान मांगते हैं। ये तुमने क्या किया मूर्ख? हम यहाँ इसे वरदान देने नहीं, इसका वध करने आए थे। मैंने अकेले तो ऐसा नहीं किया, मत भूलो भूता, तुमने भी ऐसा ही किया है। पहले वो विष्णु और अब ये बालक, तुमने हमारे साथ छल किया है। वही छल जो सदियों पहले हमारे पूर्वज मधु और केटव के साथ किया था, और वही उनकी मृत्यु का कारण बना था। किंतु अब तुम्हें अपना वचन पूर्ण करना होगा। हमने तुम्हें वचन दिया था, इसलिए हम तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे देते हैं। किंतु हमें एक वचन दो, हमारी मृत्यु भी वैसी होनी चाहिए जैसे हमारे पूर्वज मधु और केतव की हुई थी। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ।
आपकी सहायता के बिना असंभव था। ये तो आरंभ है कृष्णा, इसी प्रकार युगो युगो तक तुम दानवी शक्ति का संहार करते रहोगे और संसार में अधर्म का नाश करोगे। मैं तो धन्य हो गया प्रभु जो इतने दिन आपकी शरण में रहा। अब मैं सदैव आपका सेवक बन के रहूंगा। यक्ष, तुम एक असुर हो किंतु तुम्हारा हृदय किसी देवता से कम नहीं है। मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, जाओ और इस सृष्टि के सभी असुरों के समक्ष उदाहरण बनो, ताकि सभी असुर तुमसे नैतिकता सीखकर सृष्टि का विकास करें, ना कि नाश। जो आज्ञा प्रभु, मैं आपसे कितना भी दूर रहूं, किंतु आप मुझे सदैव स्मरण रहेंगे। कृष्णा, हमारे मित्रों का क्या? अरे ये दैत्य यहाँ कैसे? यहाँ क्या हुआ था काना? हमें बस इतना स्मरण है कि अचानक से राक्षस ने हम पर प्रहार किया और हमें उस पात्र में बंद कर दिया। उसके पश्चात हमें कुछ स्मरण नहीं। इन्हें कुछ याद नहीं दाऊ, यक्ष को भी ये सब भूल गए हैं। हाँ सुदामा, भूता और भभूता ने हम पर आक्रमण कर दिया था। माँ भगवती की कृपा से हम सब सुरक्षित हैं। चलो अच्छा हुआ, भूता और भभूता की मृत्यु होते ही सभी संकट समाप्त हो गए। नहीं दाऊ, ये शांति तो केवल क्षण भर की है। कोई है जो इतनी शीघ्र हार मानने वाला नहीं। आने वाली विपदाओं के लिए हमें सतर्क रहना होगा। गोकुल को पुनः सुरक्षित देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। देवी माँ की कृपा से भूतासुर और भभूतासुर जैसे दैत्य का भी संकट टल गया है। हाँ अरे, ये तो बहुत अच्छा हुआ, समय रहते ही सब कुछ ठीक हो गया। वैसे भी कुछ ही दिन तो शेष है। कुछ दिन शेष है, किस बात के लिए यशोदा? अरे जीजी, लल्ला का जन्मदिन आ रहा है और इस बार मैं चाहती हूँ कि उसका जन्मदिन बहुत ही अच्छे से मनाए। और देखिए ना, अब तो हमारा गोकुल भी दैत्यों से सुरक्षित हो गया। मैया, लल्ला, अब तो हमारा लल्ला 5 वर्ष का हो जाएगा। हाँ यशोदा, लल्ला का 5वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, और वो भी उस घड़ी में जिस घड़ी में लल्ला का जन्म हुआ था, आधी रात को। और उसके बाद प्रातःकाल हम लल्ला को एक सुंदर उपहार भी देंगे। मैंने उसका भी प्रबंध कर लिया है। सही कह रहे हैं आर्य आप। क्या उपहार देने वाले हैं आप लल्ला को, बताइए ना आर्य। यशोदा, थोड़ा सा धैर्य रखो। अभी उपहार के लिए हम सबको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। पहले जन्मदिवस की तैयारी कर लीजिए, उसके बाद उपहार भी पता चल जाएगा। अरे वाह, कान्हा का जन्मदिन,
अर्थात अर्थात माँ भोज, अर्थात लड्डू जलेबी पूड़िया, मुझसे तो प्रतीक्षा ही नहीं है ये सजान। ताऊ भैया, ताते तूने तानित तो आता है। अरे कान्हा के जन्मदिन पर बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है सुजान, विशाल मात्रा में भोजन का प्रबंध होगा। क्या भजन का प्रदन नितिन क्यों भैया? अरे भजन नहीं भोजन, खाना खाना, हम सब अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे। किंतु पकवान किस प्रकार गाएंगे भैया? मुझे भी पकवान तो जाते हुए दिखना है। अरे इसे समझाने बैठ गए तो पूरा उत्सव ही निकल जाएगा, कितना मूर्ख है ये। मैंने भाई को कुछ बोला तो अच्छा नहीं होगा, वो मूर्ख नहीं है, बस उसे थोड़ा कम सुनाई देता है। सुबल, सुजन का इस प्रकार उपहास बनाना उचित नहीं है, वो भी अब हमारा मित्र है। ठीक है काना। अच्छा सुधान, तुम काना को उपहार में क्या दोगे? अरे नहीं, मुझे किसी उपहार की आवश्यकता नहीं है, बस तुम सब मेरे साथ रहना, हम सब मिलकर उस दिन ढेर सारा माखन खाएंगे। नहीं काना, जन्मदिन उपहार के बिना पूर्ण नहीं होता, हम तुम्हें उपहार अवश्य देंगे, तुम हमारे मित्र जो हो। किंतु हम क्या उपहार देंगे काना को, कुछ सोचा तुम सबने? सोचना पड़ेगा, कोई खिलौना, कोई पोशाक या कोई खाने की वस्तु? नहीं नहीं, खाने की वस्तु नहीं, नहीं तो ये दोनों भाई उसे बीच मार्ग में ही खत्म कर देंगे। क्या हुआ सुदामा, तुम ऐसे मौन क्यों हो? कुछ नहीं मित्र, बस ऐसे ही। कहीं तुम मेरे उपहार को लेके चिंतित तो नहीं हो रहे हो सुदामा? नहीं नहीं। देखो तुमसे तो मैं उपहार अवश्य लूंगा, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र जो हो, और मेरा उपहार होगा तुम्हारी मैया के हाथों की बनी वो स्वादिष्ट खिचड़ी, वो लाना मत भूलना सुदामा, समझे? भूतासुर बबूतासुर दोनों परास्त हो गए, क्या करूं मैं? महाराज, महाराज की जय हो। महाराज रात्रि हो गई है, आपके शयन का समय हो गया, आचार्य आप भी विश्राम कर ले। आप विश्राम? मैं विश्राम कैसे कर सकता हूँ जब मेरा काल महाकाल बनता जा रहा है, एक के बाद एक मेरे असुरों का वध करते जा रहा है, मैं विश्राम कैसे कर सकता हूँ? मैं विश्राम नहीं कर सकता जब तक मेरे काल का अंत नहीं हो जाएगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। निकल जाओ यहां से। सहायता कीजिए, अस्त व्यस्त हो गया हूं मैं, कुछ कीजिए, कोई तो होगा जो उसका अंत कर सकता हो। असुर जाति का कोई भी बलशाली और शक्तिशाली राक्षस कृष्ण के आगे एक पल भी टिक नहीं पाते। मेरे मस्तिष्क में कोई भी एक ऐसा नाम नहीं आ रहा है जो कि कृष्ण का अंत कर सके। कुछ कीजिए। हाँ, एक दैत्य है जो इस कार्य को करने के लिए बिल्कुल अनुकूल है, परंतु अब तक ये नाम मेरे मस्तिष्क में आया क्यों नहीं? आचार्य कौन है वो, बताइए मुझे कौन है वो? प्रलंबासुर।